इस बार दिल्ली का रास्ता कहां से निकलेगा? क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश से, या इस बार उत्तर प्रदेश से लेकिन वाया पश्चिम बंगाल? दरअसल चुनाव खत्म होते होते नतीजों से पहले जो सभी पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं, और इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि इस बार सबसे बड़ा योगदान पश्चिम बंगाल से बीजेपी को मिलेगा। अंतिम चरण का जब मतदान होता रहेगा, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के इसी विवेकानंद मेमोरियल पर ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून तक ध्यान करेंगे। जिस चट्टान तक तैर कर पहुंचकर स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा, देश के दक्षिणी छोर से भारत के चुनावी सवाल का उत्तर आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जगह पर होंगे। 2014 में जो सिलसिला शुरू किया वो जारी है। तभी तो 2014 के चुनाव में अंतिम चरण की रैली के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। 2019 में अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में ध्यान करने गए। इस बार विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम जा रहे। चौदह से 24 नरेंद्र मोदी अपना सिलसिला अंतिम चरण की वोटिंग से पहले जारी रखे हैं, लेकिन क्या चुनावी नतीजों में ये सिलसिला जारी रहेगा? जहां 4 जून के नतीजों से पहले सबके अपने अपने दावे और दांव, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा सुनिए। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिली। तो क्या इस बार दिल्ली का रास्ता सीधे लखनऊ से नहीं बल्कि कोलकाता से वाया लखनऊ होकर दिल्ली तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है। 2019 में अकेले बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने 80 में से 62 सीट दे दी, मध्य प्रदेश ने 29 में 28 सीट दी, कर्नाटक ने 28 में से 25 सीट दी, गुजरात ने तो 26 की 26 सीट दी, राजस्थान ने भी 25 में से 24 सीट अकेले बीजेपी को दे दी थी। फिर 2019 में 42 में 18 सीट देने वाले पश्चिम बंगाल से इस बार पूरे देश में बीजेपी के लिए शानदार प्रदर्शन की बात क्यों प्रधानमंत्री ने कही? क्या इसलिए क्योंकि बीजेपी ने पहले पश्चिम बंगाल में 25 सीट का लक्ष्य रखा और फिर चरण दर चरण मतदान देखते हुए अपना ही लक्ष्य बढ़ाकर 30 तक कर दिया? इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझ कर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी। आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इतना भरोसा क्यों हो रहा है, जहां कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला रोड शो करने पहुंचते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी रैली के बाद ममता बनर्जी जी ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी इसी रूट पर रैली करेंगी। ऐसे में ये उत्तर कोलकाता और उसके पास का इलाका सभी ममता बनर्जी और टीएमसी का गढ़ रहा है पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो। प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकलती हैं। खेला हमें, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, आजादी नहीं होता, आज भी याद रखना बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है। बीजेपी से खतरा ममता जताती है,
लेकिन पीएम के बंगाल से ही शानदार प्रदर्शन वाले दांव की दस्तक अब समझिए। पहली वजह, बीजेपी को लगता है कि हाल के मुद्दे टीएमसी के लिए बड़े नुकसानदायक हो सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, मंत्री के करीबी के घर नोट, शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम तुष्टिकरण, संदेश खाली, शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश, महिला सुरक्षा का मुद्दा। दूसरी वजह, टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट का अलग अलग चुनाव लड़ना। हर 10 मुस्लिम वोट में 7 से 8 मुस्लिम वोट पाती आ रही टीएमसी के वोट में इस बार सिंध लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन लगा सकता है। और अब तीसरी वजह पर गौर करिए, सातवें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीट पर मतदान है। 2019 में जो 18 सीटें बंगाल में बीजेपी ने जीती थी वो सभी पहले 6 चरण की थी, यानी सातवें चरण में बंगाल की एक भी सीट बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई थी। सातवें चरण की सभी 9 सीट जीत कर ही 2019 में ममता बनर्जी की टीएमसी बीजेपी से 4 सीट आगे हो पाई थी। ऐसे में जो बीजेपी 2014 के मुकाबले 2019 में 23% तक वोट बढ़ाती है, क्या इसी तरह इस बार भी वोट स्विंग होकर बीजेपी का बढ़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी भी सच होगी